पर आपके सामने सीज फायर टूटने की वजह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 10 बड़े खुलासे हुए इसको लेकर और ये तमाम खुलासे आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला खुलासा, देर रात हमास ने बंधकों की लिस्ट दी थी। दूसरा खुलासा ये कि बंधकों के शव दिए जाने की बात थी। तीसरा खुलासा, इसराइल का लिस्ट लेने से इनकार। तो ये तमाम वजह मानी जा रही है दरअसल कि क्यों ऐसी स्थिति बनी। इसके अलावा महिलाओं बच्चों के साथ रिहाई की मांग, साथ ही हमास का कोई जवाब नहीं आया, ये भी माना जा रहा है इसकी वजह है। छठा खुलासा आपके सामने, सुबह तक असमंजस में रहे नेतन्याहू। सातवां खुलासा ये कि सुबह होते ही युद्ध का आदेश दे दिया गया। और आठवां खुलासा आपके सामने, हमास को खबर मिली तो हमले की शुरुआत उन्होंने कर दी। नौवां खुलासा ये कि भनक लगते ही हमास की तरफ से रॉकेट हमले की शुरुआत कर दी गई। और दसवां खुलासा भी आपके सामने, जहां हमास अटैक के बाद आईजीएफ के हमले तेज हो गए। मनीष, क्या यही तमाम वजह आपको लगती है कि युद्ध विराम टूटा और अभी मौजूदा स्थिति जो गाजा में देखने को मिल रही है वो इसी वजह से? देखिए, 7 दिन के युद्ध विराम के बाद आखिरी 7 घंटे, अभी हमले शुरू होने से पहले के जो आखिरी 7 घंटे थे, जिसमें हमास की तरफ से एक लिस्ट सौंपी गई जिसमें कई शव थे, बंधकों के शव देने की बात थी, और इसराइल ने उन शवों को लेने से मना कर दिया। और उनका कहना था कि हमें सबसे पहले अब महिलाएं और बच्चे हों दिए जाएं। अब अहम बात, इसका मतलब यह है कि अब तक 5 बंधकों के शव दिए गए थे और अब और अधिक बंधक दिए जा रहे हैं शव के तौर पर। इसका मतलब बहुत सारे संख्या में बंधक मारे जा चुके हैं। तो मिसिंग बंधक पहले से ही थे, बहुत सारे बंधक मारे जा रहे हैं। और वैसी स्थिति में इसराइल ने फैसला किया कि हम बंधकों के शव नहीं लेंगे, बल्कि अभी जितने जीवित महिला और बच्चे हैं हमें आज के आज 24 घंटे के अंदर वो सब चाहिए, जिस पर हमास राजी नहीं हुआ। तो ये एक तात्कालिक कारण बना जिसकी वजह से सीज फायर टूटा। हालांकि कल जब जेरूसलम में हमला हुआ और जिसको लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री को कहा कि ये हमास का हमला है, ये 7 अक्टूबर के हमले का एक्सटेंशन है, तभी तय हो गया था कि अब इसराइल किसी की नहीं सुनने वाला। खासकर तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने अमेरिका का सीधा सीधा संदेश दिया था कि अब युद्ध विराम को नहीं तोड़ा जाएगा, अभी युद्ध विराम जारी रहेगा, उसके बाद भी युद्ध हुआ, तो यानी इसराइल अब किसी की नहीं सुनने वाला है। बिल्कुल, इसराइल अब किसी की सुनने वाला है नहीं, और यही वजह है कि अमेरिका की तमाम नसीहतों को नजरअंदाज करते हुए इस वक्त भीषण अटैक किए जा रहे हैं। तो बंधकों की रिहाई हम किसी भी हाल में सुनिश्चित करेंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक में इसराइल का एक्शन, बंधक रिहाई का जश्न मनाने वालों पर एक्शन लिया गया है। आईडीएफ ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं उन लोगों पर जो जश्न मना रहे थे फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच उत्तरी गाजा से भी खबर सामने आ रही है, यहाँ ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो गई है, पूरे इलाके में भीषण बमबारी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको गाजा के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। साउथ गाजा में भी इस वक्त बमबारी जारी है। तो ये तस्वीरें नॉर्थ गाजा की है, जहाँ पूरे इलाके में इस वक्त धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पर ताजा हमलों की ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, इस वक्त ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है इसराइल की तरफ से, गाजा को बार बार निशाना बनाया जा रहा है सीज फायर टूटने के बाद। इस वक्त कहां कहां हमले हो रहे हैं ये एक नक्शे के जरिए अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले गाजा पट्टी का ये ग्रे एरिया देखिए, शुरुआत से यही इलाका इसराइल का प्राइम टारगेट रहा है। पहले आईडीएफ ने बम गिराए थे, अब फिर से यहां पर विध्वंस शुरू हो गया है। इसराइली बमबारी में उत्तरी गाजा का इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, फिर भी यहां पर स्ट्राइक हो रही है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये नॉर्थ गाजा का वो इलाका है जहां पर पूरी तरह से हम देख रहे हैं इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, एक तरह से ये इलाका समतल हो चुका है। अब फिर यहाँ पर स्ट्राइक का मतलब क्या है? देखिए नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि समीर, अभी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके की है कि नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा के बीच में एक वैक्यूम एरिया, एक नो मैन्स लैंड क्रिएट किया जाए जो 2 से 3 किलोमीटर का, और वहां पर ये स्ट्राइक्स की जा रही है ताकि उन एरियाज के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस और तेजी से बढ़े। अभी जो मेजर ऑपरेशन चल रहे हैं वो वेस्टर्न एरिया में चल रहे हैं, यानी गाजा के वेस्टर्न एरियाज में चल रहे हैं, और इन एरियाज को कैप्चर करके ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी। पहले मोटे तौर पर इस एरिया को, वैक्यूम एरिया को बम्बार्डमेंट से, एयर स्ट्राइक से पूरा खाली कराया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा, और उसके बाद ही ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है। वहीं गाजा सिटी और आसपास के 50% से ज्यादा इलाके तहस नहस हो चुके हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि इलाकों में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन
युद्ध विराम के बाद यहां पर भी अब हमले हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस बीच दक्षिण गाजा में लगातार स्ट्राइक हो रही है। खान यूनिस जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहां का इलाका इजरायली ऑपरेशन का सेंटर माना जा रहा है क्योंकि दो हफ्ते में इजरायल का फोकस यहीं पर रहा है। इजरायली सेना मान रही है कि उसके कई वांटेड कमांडर्स और हमास के अहम ठिकाने इसी इलाके में हो सकते हैं। ये जो रेड सर्कल का एरिया आप देख रहे हैं, साउथ गाजा का यही एरिया अब आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट है और यही वजह है कि यहां पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। प्रतिमा, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इस बीच मेजर जनरल सिवाच, आपसे यह समझना चाहूंगी, युद्ध विराम हुआ था तभी से ये कहा जा रहा था कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है और ऐसा ही कुछ होते हुए अब हम देख भी रहे हैं। युद्ध विराम टूटा नहीं कि हम लोग की शुरुआत हो गई, अब आगे क्या होगा? और देखो, सच्ची बात है प्रतिमा, ये युद्ध विराम ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। इसराइल शुरू से ही इसके अगेंस्ट था, उसको मालूम था कि अगर युद्ध विराम होता है इसका हमास गलत इस्तेमाल करेगा, वो अपने आप को रिकूप करेगा, रीफिट करेगा, अपना सामान इकट्ठा करेगा लड़ाई का, और वही उसने किया। मगर अब उसने क्यों तोड़ा 7 दिन के बाद? इसराइल ने ये देख लिया था कि अब उसको कोई खास मिलने वाला नहीं, होस्टेजी जो आने थे आ गए, अब वो डेड बॉडी की बातें करने लगे, तो ऐसा लगा है इसराइल को कि अब बेटर है कि हम हमास पे दोबारा हमला करें। और ये जो स्ट्रेटेजाइज किया है अभी इसराइल ने, नॉर्थ गाजा, साउथ गाजा और सेंट्रल गाजा पे भीषण अटैक होंगे और पिन पॉइंटेड होंगे। उन्होंने भी इन 7 दिन में इंटेलिजेंस गैदर कर लिया, रियल टाइम इंटेलिजेंस की है। जो सर्कल दिखाया जा रहा था, जिसको समीर दिखा रहे थे, वहां पर सुनने में आया याया सिनवार जो उनका मिलिट्री कमांडर है, उसके भी छुपे होने की आशंका है। और एक चीज सबसे समझने की कोशिश है, अभी जो है गाजा पट्टी को पूरी तरफ से आइसोलेट कर दिया है कि यहाँ पर कोई सामान ना आ पाए, और जो समुद्र से है उधर पर भी बहुत बमबारी हो रही है कि कोई बोट से उस पर सामान ना आए। मुझे लगता है आने वाले समय में जो इसराइल की स्ट्रेटजी होगी कि नॉर्थ साउथ और सेंट्रल गाजा कट्ठी मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी से अटैक होने चाहिए। हाँ, ये अलग बात है। बिल्कुल सिवाज साहब, जानेंगे कि आखिर इस वक्त हम लोग का केंद्र जो इलाके नजर आ रहे हैं उसके पीछे वजहें क्या हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें क्योंकि खान यूनिस में हमले का एक और ताजा वीडियो आ गया हमारे पास। इजरायली बमबारी में यहाँ पर कई लोग जख्मी हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए इस पूरे इलाके में खान यूनिस के कैसा कोहराम बरपा है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दे, अलबगाजी कैंप के पास इसराइल का हमला हुआ है। इस हमले में कांदिल परिवार के कई लोग मारे गए हैं। इसराइली हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लगातार हो रहे हमलों के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं है और लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल।